हेलो हेलो अस्सलाम वाला मन इत्तबाल हुदा। अस्सलाम वाला मन इत्तबाल हुदा। हाँ फारूक साहब बताइए। ये तुम लोगों ने चालू। हेलो आपला कॉल होल्ड वर ठेवलेला आहे, कृपया लाइन वर रहा। फारूक रजा होल्ड पर है, लाइन पर बने रहे। कहाँ होल्ड पर रख दिया भैया? हेलो जी आवाज आ रही है, बताइए। भाई आवाज अब नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए भाई। भाई जो अहले बिदत जो है नजदी वहाँ भी ने जो बिदत की सऊदी इंटरनल डे मनाया तो कौन सी नदी से साबित है मनाना? तो जिसने मनाया उससे पूछो ना। हमारे फातिमुल हरमैन शरीफैन है, अमीरुल मोमिनीन है। तो हम तो इंडिया में है ना, अहले तौहीद है, सब तुम्हारे ही है ना वो लोग। हाँ तो क्या हो गया, बिदत नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। चलो मतलब आपको इस पे बात करना है, सऊदी का जो नेशनल डे है ये मनाना ये सुन्नत है या बिदत है, ये ना? नहीं किसने मनाया वो जानना है मुझे। तो यही तो भाई टॉपिक हुआ ना कि मतलब भाई सुन्नत है कि बिदत है, किसने मनाया, मेरा ये सवाल है। कौन से साहबी ने मनाया? नहीं तो साहबी ने तो नहीं मनाया, ये तो उनका भी दावा नहीं है ना साहबी ने मनाया। तो तुम बिदतियों ने क्यों मनाया? हाँ तो भाई ये बिदत है तो ये आपको साबित करना पड़ेगा ना। भाई देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ फतेह किया लेकिन कभी भी जश्न नहीं मनाया। सहाबा किराम ने बहुत सारे ममालिक। अरे फतेह मक्का अलग चीज है ना, यहाँ बात हो रही है नेशनल डे। आज तो नेशनल डे का मतलब क्या होगा, जिस दिन तुम्हारी हुकूमत आई उसी दिन खुशी मनाओगे, वो होता है नेशनल डे। अच्छा मतलब भाई ये उनका कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, मतलब नेशनल डे का मतलब यही होता है। क्या होता है राष्ट्रीय पिछली हुकूमत से? भाई देखिए नेशनल भाई जो ये नेशनल डे होता है इसका माना होता है राष्ट्रीय दिन, राष्ट्रीय दिवस। हाँ तो मैं तुझे उर्दू में बता रहा हूँ, अभी जो हिंदू है तो हिंदू वाली। नहीं नहीं हिंदू और मुस्लिम की यहाँ बात ही नहीं ना, मतलब जो हिंदी में बात कर देगा वो हिंदू हो जाएगा। क्या क्या बात करते हो मेरे भाई, मैं उर्दू वाली बात करता हूँ। जिस दिन अच्छा चलो आराम से एक मिनट आप बोल दीजिए ठीक, उसके बाद एक मिनट हम बोलेंगे, वरना हम जानते हैं मेरे बीच में आप मतलब बड़बड़ाना शुरू कर। नेशनल डे कहा जाता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का को फतेह किया, सहाबा किराम ने बहुत सारे ममालिक को फतेह किया। अरे इस्लाम क्या कहता है ऐसे दिन के मनाने के बारे में? नहीं मनाया। इस्लाम क्या कहता है नेशनल डे के बारे में? अच्छा मनाया नहीं गया तो कहेगा क्या इस्लाम? और इंडिपेंडेंस डे के बारे में? कोई इस्लामी हुकूमत नहीं है भाई इंडिया में, अगर कोई मनाए तो वो इस्लामी हुकूमत नहीं है इंडिया में। नहीं इंडिया में मेरे भाई इस्लामी हुकूमत तो नहीं है लेकिन मुसलमान तो मनाते हैं, मुसलमान मदरसों में झंडा भाई वो फहराते हैं, ठीक है, देश की इज्जत करते हैं, ठीक है, इस मुल्क में अपने देश के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इस देश को भाई उन्नति दे। कानून फॉलो किया जाता है? नहीं नहीं आप बात समझे नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, समझा भी नहीं सकते हो। अगर नेशनल डे मनाना बिदत है तो आप लोग इंडिया में जो रहते हैं मुस्लिम लोग बरेली लोग वो इंडिपेंडेंस डे भाई वो काहे के लिए मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस? इस्लामी मुल्क नहीं है यहाँ पर, इस्लामी कानून मतलब इस्लामी मुल्क नहीं है तो यहाँ पे आप मतलब भाई वो शराब पी लेंगे, जुआ खेल लेंगे, ठीक है, जिना कर लेंगे, ये कोई उसूल होता है? आप तो इस्लाम पे है ना, इस्लामी हुकूमत नहीं है तो क्या हुआ, आप तो इस्लाम पे है ना, आप क्यों मनाते हैं? दारू भी पी रहे थे लोग, दारू भी पी रहे थे सऊदी में। अरे भाई फिर वही चीज हम कह रहे, दारू पिए नंगा नाच करे सब गलत है, हम कोई दिफा उनका थोड़ी ना कर रहे हैं। किसने फतवा दिया? फतवा क्या, ये तो हराम है ना दारू पीना, अब इससे भी आपको फतवा चाहिए क्या? लाल दुपट्टे वाले मौलवी ऐसे कोई है जिन्होंने कहा हो कि भाई ये गलत हो रहा है बंद करो? अब भाई जरूरी है कि आदमी मतलब भाई वो दुपट्टा ओढ़ के मेरे भाई वो कहेगा, जब अल्लाह ताला ने कह दिया शराब पीना हराम है तो हराम है। अब दुपट्टा उतार के या पहन के चाहे लाल हो काला हो हरा हो
उससे मतलब हमें थोड़ी ना, नीला हो कोई भी हो, दुपट्टा कोई भी हो, मेरे भाई दुपट्टा तो औरतें ओढ़ती ना, पता नहीं आपके वहाँ लग रहा है मर्द भी ओढ़ते होंगे। वही तुम्हारा मौलवी है जिसने दुपट्टा पे आप बात करेंगे, आपको किस टॉपिक पे बात करना है भाई, नेशनल डे पे बात करना है या आपको दुपट्टे पे बात करना है, दोनों पे भी आप भागेंगे। जो हराम कारियां जो हो रही है औरतों को नचाया जा रहा है, जो हराम कारियां हो रही है बिल्कुल हराम है भाई, वो गलत है, गुनाह है, कह तो रहे हैं पी जा रही, तो कौन अरे कह तो दिया मेरे भाई गलत है, हम कब कह रहे हैं कि हाँ मनाओ सही हो रहा है। तुम कौन हो, तुमको कुत्ता भी नहीं जानता है, तो कुत्ता भी नहीं जानता है, तो आप तो जानते हैं, आप तो आला ग्रह के आला नस्ल के कुत्ते हैं, तो आप तो जानते हैं, तमाम बरेली भी कुत्ते हमको जानते हैं, तो आपका दावा मेरे भाई बातिल साबित हो गया। कह रहा हूँ कुत्ते हैं तो मुझे आप बताइए कि आपके कौन से भाई, तुम हमेशा अपनी बात में अटक जाते हो यार, फतवाजी है तुम्हारे। अरे भैया दुपट्टे वाले मौलवी ने इस बिदत का, फिर वही चीज भाई, वो दुपट्टा नहीं है रुमाल है, रुमाल में दुपट्टे का फर्क जाके अपनी अम्मी जान से पूछो, आपकी अम्मी जान जो सीना अपना ढाकती है उसको बोलते हैं दुपट्टा, ठीक, और जो आदमी धूप से धूल के बचने के लिए सर पे ओढ़ता है उसको बोलते हैं रुमाल, तो रुमाल और दुपट्टा दोनों अलग अलग होता है। अच्छा आप तो जाके पहले फर्क मालूम कीजिए, आपके आलिमों ने आपको झोला थमा दिया है और आप लोगों को झूले में से बस झूठ 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 बांटते रहते हो। एक नजदीक कुत्ते मस्जिद नबी में धूल, अरे आला हजरत के आला नस्ल के कुत्ते आप हैं, हम कोई नजदीक नहीं है भाई, हम तो इंडियन है ना, कुत्ते हो तुम, अरे हम तो भारत में इंडिया में मेरे भाई जबरदस्ती नजदीक नजदीक में बोल रहे, आप बरेली के कुत्ते हो, आला हजरत का कॉल है अनवारी रजा सफा नंबर 238 पे, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं, वहाबी कुत्ते से कमतर होते हैं, मतलब तो वहाबी कुत्ते से कमतर होते हैं ना, हमने कब अपने आप को वहाबी कहा भाई, आप अजीब पागल आदमी, वहाबी की बात हमारे ऊपर पेश कर रहे हो, हम अहले सुन्नत अहले हदीस से 100 मरतबा आपको अपनी ऑडियो में हम बता चुके हैं, जाकिर नायक ने खुद कहा है, उसका वीडियो मौजूद है कि मैं वहाबी हूं। तो डॉक्टर जाकिर नायक से बात करो ना मेरे भाई, तुम बात करते हो अफू खान से, पहुंच जाते हो दाएं बाएं दुपट्टे पे और नेशनल डे पे, मैं कह रहा हूं तो इसीलिए मैंने आपसे फोन उठाने से पहले कहा था, उसूल भाई उसूल तय कर लीजिए, एक मिनट आप बोल लीजिए, एक मिनट हम बोल लेते हैं, आराम से बात हो जाएगी। लाल दुपट्टे वाले मौलवी ने इसका रद्द किया भाई, दुपट्टा नहीं है वो रुमाल है, दुपट्टा जो आपके घर की अम्मा बहने जो अपना सीना ढाकने के लिए ओढ़ती है उसको दुपट्टा बोलते हैं। हाँ तो उससे आप जाके पहले जाके किसी से पता कीजिए, ऐसा कोई कपड़ा जिससे औरतें अपनी छाती को ढाकती हो उसको आमतौर पर बोलते हैं दुपट्टा, और जो इंसान अपने सर पे डालता हो कोई मर्द उसको बोलते हैं रुमाल, दोनों का फर्क पहले पता कीजिए। सीना नहीं ढकता, सीना नहीं ढकता, उससे पेट भी ढक जाता है तुम्हारे मौलवियों का, ताकि दिखे ना कितना हराम का खा रहे हैं। अच्छा ऐसा कौन सा मेरे भाई रुमाल है जिससे मेरे भाई पेट आदमी का भाई एकदम छुप जाता है? अरे अभी मेरे चैनल पर जाओ, अभी मैंने लेटेस्ट में 2 दिन पहले एक लाल दुपट्टे वाले की धुलाई वाला वीडियो देख अपलोड किया है, फिर दुपट्टा बोला, मतलब आपके वहाँ मतलब कोई भी कपड़ा जो सर के ऊपर कोई आदमी ढाक ले तो वो आपकी आपके हो जाता है दुपट्टा, तो आपके जो आपके जो मीठे मीठे मदनी भाई हैं वो तो पूरे मेरे वो मामा शरीफ पहनते हैं, अरे वो हरे तोते हो गए, पूरा हरा पहनते हैं, उनकी गाड़ी भी हरी है, उनका चेहरा भी हरा है, उनका सर भी हरा है, कपड़े भी भाई वो हरे हैं, सब कुछ उनका हरा है, तो वो तो हो गए सुपर मदनी मैन, स्पाइडर मैन सुना था मुझे, सुपर मैन सुना था, शक्तिमान सुना था, ये अब आए हैं भाई, ये नए मैन आए हैं मदनी मैन, मदनी बिदती मैन, ये हरे तोते, ये हरे रंग का कपड़ा पहनने वाले, अब मैं कहूँगा हरे रुपट्टे वाली, अरे हरे रुपट्टे वाली मीठी मदनी अपना नाम तो बता, देखो झूठ बोल के भागो मत, देखो फसा फसा, मतलब देखो मिट्टी दे से कह रहे दुपट्टे अलग है रुमाल अलग है, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, दाड़ी हरी है तुमने कहा, तो कौन सी है जिन भाई दाड़ी हरी है बता दो, चिल्लाने से कुछ नहीं साबित होगा भाई, नहीं 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 नहीं, आप ये सोचते हो ज्यादा ऑडियो, आप ये सोचते हो ज्यादा चिल्लाएंगे, आप ये सोचते हो ज्यादा चिल्लाएंगे तो हक पे साबित हो जाएंगे, तो कुछ नहीं होना है, कज़्ज़ाब धर्म होता है, लोग आज जानेंगे जब आप नेशनल डे पे बात कर रहे थे ना, तो नेशनल डे पे आपको बात करनी है कि नहीं, नहीं नहीं पहले तुम बताओ कौन से दावत इस्लामी के मुवल्लिक की दाढ़ी हरी और चेहरा भी हरा होता है, जरा बताओ, और उनका कुर्ता पैजामा भी हरा होता है, जरा बताओ, पूरा सर से लेके पैर तक यहाँ तक की जो गाड़ी है पूरी गाड़ी भी हरी है,
सब आ रहा है। अब आपको नहीं पता है, आप असल में लाल दुपट्टे वालों के पीछे पड़े हुए हो, तो आपको हरे तोते कहाँ से दिखेंगे? पूरा हरा हरा करोड़ का चैलेंज दे रहा हूँ, एक आदमी ऐसा बता दो जिसकी दाढ़ी हरी हो। दावत इस्लामी गाड़ी मैं नहीं कर रहा हूँ, कान में सांडे का तेल डालो मैं कर रहा हूँ, गाड़ी गाड़ी बाइक बाइक ऑडियो रिकॉर्ड हो चुका है। हाँ ऑडियो टेप हो गया, मैं इतनी देर से कह रहा हूँ गाड़ी गाड़ी, तो तुम उसके प्रयास कर रहे हो दाढ़ी दाढ़ी। भाई दाढ़ी अलग होती है, गाड़ी अलग होती है। चेहरा भी कहा मैंने, कहा सर से लेके पांव तक सब कुछ हरा हरा पहनते हैं, यहाँ तक की गाड़ी भी उनकी मेरे भाई हरी है। सर से ले पहनते हैं, गाड़ी पहनते हैं क्या जाहिल के औलाद? अबे गाड़ी पे बैठते तो गाड़ी भी हरी है ना, पूरा पूरा हरा पहन के गाड़ी को भी उन्होंने हरा कर दिया है। अभी मैं डालूंगा तुम्हारे मीठे मीठे मदनी हरे तोते की फोटो, वो सर से लेके पांव तक बिल्कुल हरा है, यहाँ तक कि जो उसकी बाइक है गाड़ी है वो भी हरी है। अब 1 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में डाल देना, 1 करोड़ अगर हमारे अकाउंट में ना डाला तो फारूक रजा बिदती साबित होगा। ठीक है चलो अभी ऑडियो डाल रहा हूँ मैं।